मोटरोला एक साल पहले, मोटरोला एक साल बाद, यानी एक पर एक जबरदस्त फोन लॉन्च कर रहा है मोटरोला, जिसमें से एक है मोटो G82 जो यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और अब बारी है इंडिया की। ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, लुक्स टिपिकल मोटरोला वाली। आई थिंक मोटरोला को थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपना वेट जो है वो काफी ज्यादा कम किया है, गए होंगे एक्सरसाइज वगैरह किए होंगे, यानी समझ सकते हो वर्ल्ड मोस्ट इनेस्टर स्मार्टफोन भी बना दिया है। और मोटरोला पहले मोटो के नाम से जाना जाता था। 6.6 इंच का यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले मिल जाती है गाइस, जिसकी रेजोल्यूशन है FHD प्लस की, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसमें आपको DCI-P3 कलर गैमिट का भी सपोर्ट है। काफी सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता है भाई DCI-P कलर गैमिट क्या होता है, तो सिंपल सा वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल सा दिमाग में ये बैठा लो, यहाँ पर नॉर्मल के मुकाबले ना थोड़ा सा जो कलर्स है ना वो काफी ज्यादा रिच मिलते हैं, काफी ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और यहाँ पे आप लोगों को कंट्रास्टी वगैरह ज्यादा शो होते हैं, और पंची कलर जिसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं बहुत उस टाइप का यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है। गर्मी कूल, इतनी गर्मी लग रही है ना, सब्सक्राइब कर दोगे तो दिल को ठंडक पहुंचेगी। 50 मेगापिक्सल के यहाँ पे मेन वाला कैमरा सेंसर देखने को मिलता है गाइस, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जी हाँ, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का। और ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मोटरोला भाई साहब अंडर 20K में OIS दे रहा है। यहाँ पे कुछ साल पहले क्या होता है, लाइक एक दो साल पहले बैग चल जाओ ना आप लोग, जो 30,000 से ऊपर वाले फोन आते थे ना उसमें हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता था, जी हाँ। और यहाँ पे लाइक एक साल पहले आप लोग कह सकते हो कुछ कुछ उसमें यहाँ पे 25,000 से 30,000 के बीच में जो आते थे ना उसमें हमें देखने को मिलता है, लेकिन मोटरोला ने 20,000 के अंदर में ये चीज ला दिया। गुड जॉब मोटो, गुड जॉब। और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाते हैं और 2 रुपए वाले लेजेंडरी सेंसर, ओहो, इनको उतना ही इज्जत दो जितने शादी के दूसरे दिन बाद दोस्तों को, साले कुछ करने ही नहीं देते। नो एक्सपीरियंस गाइस, मेरी हुई नहीं अभी, ठीक है, ऐसे ही फन के लिए बोल दिया। आपकी हुई तो भाई साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो नीचे कमेंट में। स्नैपड्रैगन 695 का यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G के साथ में आता है ऑब्वियसली। अब काफी सारे लोगों ने ये छोटा सा नंबर सुन के ना निराश हो गए होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाई साहब कोई भी छोटा चीज किसी के अंदर घुसता है तो काफी ज्यादा दर्द होता है। हेलो महिला हेल्पलाइन, कांटे कांटे, कुछ उसी प्रकार का समझ लो इसको भी, यानी छोटा नंबर है लेकिन भाई साहब बड़ा धमाका है। यहाँ पे आप लोग को भी डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन हाँ हैवीली गेमिंग नहीं कर सकते हो आप लोग, 1 से 2 घंटे तक आराम से आप लोग गेमिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी गाइस, और 30W का चार्जर इन दी बॉक्स मिलेगा, जी हाँ, बॉक्स से बाहर नहीं लेना पड़ेगा, बॉक्स में ही मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे गाइस, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। काफी लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे आप लोग बता दो, लेनवो का ये थिंक शील्ड का प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वाला हार्डवेयर बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे नॉक्स में मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है मोटरोला को एक्वायर कर रखा है किसने, लेनोवो ने, तो वो अपना थिंक शील्ड का प्रोटेक्शन जो है वो इसमें भी यूज कर लेता है। प्रोटेक्शन यूज करना, ऑलवेज ऑलवेज कीप स्माइलिंग कुछ भी। और हाँ, यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक भी मिलता है और एंड्रॉइड 12 के साथ में आएगा विद क्लीन UI। एस्पेक्ट सुनने में मजा ही आ गया भाई सब, तो प्राइस क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे जो ग्लोबली गया है ना वो एक ही वेरिएंट गया है, जी हाँ, 6GB 128GB, जिसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज में ना तो यहाँ पे 26,500 के करीब में देखने को मिलता है। लेकिन मोटरा क्या होता है, मोटरोला के यहाँ पे प्रीवियसली लॉन्च वाले देखे ना तो यहाँ पे आपको पता है ग्लोबली या फिर यूरोपियन कंट्री के हिसाब से इंडिया में काफी ज्यादा हम सस्ते आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फोन 19 से 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट। अगर एक ही वेरिएंट आता है तो ऑब्वियसली इतना में आएगा, लेकिन दो वेरिएंट में आता है लाइक 8GB 128GB या फिर 256GB तो वहाँ पे उसकी प्राइस 2,000 एक्स्ट्रा हो सकती है, तो उसकी प्राइस यहाँ पे 22,000 तक जा सकती है, लेकिन बेस वेरिएंट की प्राइस आपको अंडर 20 की देखने को मिलेगा। लेकिन कब तक यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा ये भी तो बहुत बड़ी सवाल है गाइस, जी हाँ, इतनी बड़ी। तो यहाँ पे यही है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज है कि भाई साहब 25 से 30 तारीख, 30 नहीं 31वां महीना है ना, हाँ 31 तारीख तक आप लोग ये फोन देखने को मिल जाएगा इंडिया में। S22 FE जो होगा ना वो S22 अल्ट्रा से भी काफी ज्यादा फास्ट होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाए और ये मेरी गर्मी जो है ना वो चले जाए।